आ पाए, हमारी बहने आ पाए, वो सब का मैं धन्यवाद देंगे। त्रिवेणी इतना विकट है और बहुत लोगों ने गंगा मैया में त्रिवेणी घाट में यमुना में गंगा में सरस्वती जो नदियां हैं उनको सब का स्नान किए और तीन चार के नाम कर रहे और आने वाली 22 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम अयोध्या में भी होने जा रहा है। पूरा दिन किसी में लगा हुआ गन्ना किसानों की भी यहाँ से बातचीत हुई कि गन्ना के भी रेट बढ़ गए, लेकिन उम्मीद बहुत थी, उम्मीद ये थी कि 40 रुपये से ज्यादा रेट बढ़ेगा, 400 रुपये से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बढ़ाने 20 रुपये या इसमें किसानों को हताशता है। कोई किसान खुश नहीं है, 20 रुपये में महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन अपने आंदोलन को हमको भाई तेज करने पड़े। कोई ऑनलाइन आंदोलन नहीं किया, कोई पहले धरने पे आंदोलन होते कोई आंदोलन भी नहीं मिला, जब आंदोलन किया जैसा बात नहीं बोल जरा आंदोलन के लिए कोई किसान संगठन ने भी आंदोलन किया, एक वोट डाल कोई भी होगा कि मेरे पहले आंदोलन तो अपने आंदोलन तेज कर रहे हैं। अभी 3-4 उसकी घोषणा यहां पर हुई, 26 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर ट्रैक्टर मार्च होंगे, क्योंकि जो भारत सरकार का हमारे साथ में दिल्ली में कर रहा 2021 में वो भूलानी चाहिए, ब्लॉक स्तर पे बहुत लोग निकल जाएंगे, हम ट्रैक्टर को लाइन में चलाना सीख गए, निकल गए बहुत है ट्रैक्टर लेकिन लाइन में चलाना सीख गए, अपने ब्लॉक ब्लॉक में लिख रहे हैं कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर प्रमुख बनाने हैं, हमने ट्रैक्टर को रख रखाव ठीक करो, कोई कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के पीछे चलना सीख गए, मोटर से थोड़ा सा बचा तो मेरा मोटर आ गया, मेरा उससे थोड़ा सा बच लो, 2 साल के लिए मोटू से बच के काम करो तो आप लाइन में चलना सीख लोगे। ये 16 फरवरी का भारत बंद है, पूरे ट्रेड यूनियन है, हम सब लोग उसमें हैं, अपना 15 तारीख कोई भी अपना काम करे ना, खेत का भी कम से कम ये तो दिख रहा है, हम खेत में भी हड़ताल कर सकते हैं, अगर आप गन्ना में नहीं करोगे तो कम से कम 20 मौके हो जाएगा, तो आपका नाम हो जाएगा बड़ा, पूर्ण हड़ताल रहेगी, अपना खेत का काम करो, पशु का काम अपने घर में करो, खेत में जाना ही नहीं, पहले तो अमावस्या का जब नहीं होता था तो हम खेत में हम नहीं होते, बैल के कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, धरती को चीरते रहे थे, तो उस टाइम में भी करते थे हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन ये किसानों की एग्रीकल्चर हड़ताल भी रहेगी, तो 16 फरवरी को सब लोग ध्यान रखें कि हमको खेत में भी जाना, पूर्ण खेत बंदी, दुकानदारों से भी अपील करेंगे, ट्रक ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करेंगे, अपनी गाड़ियां भी तो कम से कम ये तो रहेंगे, देश का किसान भी कुछ कर सकता है, या भारत सरकार भी कहेगी कि भारत खाली मित्रों को खाली मित्रों के लिए बंद करो, लाइट बंद करो, एक आदमी अपना भी काम कर लो, ठीक है, तो उसका रखो। और 14 मार्च दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम है, 14 मार्च को दिल्ली आना है, मौसम ठीक हो जाए, एक दिन का प्रोग्राम रहेगा, तो 14 मार्च को अपना दिल्ली आओ, और मेंबरशिप का भी है भाई, ये प्रोग्राम हो गए मेंबरशिप का, ये यहाँ पे भी मेंबरशिप चली, कई दिन यहाँ पे अनुज वगैरह ने जिन्होंने बढ़िया काम करा, साले काम करे, जो हमारी जो महिला है पहले इन्होंने काम करा, पूरी जितनी बेटी है उसने बढ़िया काम यहाँ पर करा, पूरी टीम यहाँ पर थी, जो वॉलंटियर यहाँ पे जिन्होंने काम करा, हमारे पास तो वॉलंटियर भी खत्म हुई, उनको सम्मान भी करेंगे जो वॉलंटियर ने काम करा, बहुत बढ़िया खाने की व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट, मतलब
पिछले साल से आपकी बात बहुत बढ़िया अरेंजमेंट में आप बना मेंबरशिप भी चलाई और ये मेंबरशिप तो हमको छोटी भी टीम हो या बड़ी भी टीम हो आप दो आदमी की मीटिंग करो दो आदमी करो जिलाध्यक्ष का कोई भी पदाधिकारी मीटिंग कर रहा गाँव के आप जहां पे भी मीटिंग कर रहे हो ये मेंबरशिप के लिए आप जब दोबारा आप करो आप मीटिंग में ही हरियाणा में बैठा है आप मीटिंग में ही मेंबरशिप की आप चलाओ मीटिंग में भाई सौ रूप आए तो नए आदमी 20 आदमी नए सदस्य बनेंगे तो 10 रुपए की मेंबरशिप है मेंबरशिप 10 रुपये उससे जरूर जिसकी आस्था होगी वो 10 रुपये देगा जिसकी आस्था नहीं होगी वो देखेगा ही नहीं आपको अगर कोई दूसरी पार्टी रख के मैंने दी 10 रुपये दे दी 10 रुपये तो कोई बात नहीं अगर ये हमारी पक्ष ले तो आप हो गई थी ऐसे ही है कि जिसकी आस्था आपके संगठन में है उसका 10 रुपये आप उसको खर्च दो मेंबरशिप हम नहीं बढ़ाओगे सौ रुपए की मेंबरशिप जो होगी वो कार्यालय में जाए के लिए कार्यालय में सौ रुपए से ऊपर का जो भी धन हो वो 10 रुपए से ऊपर का वो 100 रुपए हो 500 रुपए हो वो 1000 रुपए हो वो गल्ला इकट्ठा हो वो जिले के जिले में धन रखो उसको थोड़ा हमको दो साल में कार्यालय को निर्माण करना है आप जमीनों की लड़ाई बहुत लड़ रहे जमीन महंगी होगी तो दान देना बंद कर दिया आपसे ठीक तो हमारे पुराने पूर्वज थे उन्होंने 35-35 साल पहले कार्यालय बना दिए दो सिंगर झलेट का कार्यालय मुरादाबाद में दो जगह कार्यालय है टप्पल में कार्यालय है अपने जमीन लेकर कार्यालय का निर्माण करो जो भी 10 रुपए से ऊपर का धन हुआ ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा वो पूरा धन कार्यालय के निर्माण में जाएगा ये नहीं कि उसका गाड़ी खर्च कर ली कहने के अच्छा गाड़ी का लखनऊ जा रही 20 लाख रुपए के ठेके से उसका कर दे और फिर अपना हवाई में उड़ा दिए कार्यालय का निर्माण करो ये अपना जो जन्मदिन मना रहे भी ये तो जन्मदिन का भूख मोड़ डालो कोई इसमें नहीं तो जोन से ना फोटो ना लगा जय को जन्मदिन है एक ही झंडे दे दो मेरे गाँव में ले जाए हमको तो कह आप 100 साल दियो कम से कम संगठन को 100 झंडे साल में तो मिलेंगे हर साल मिलते रहेंगे जय को जन्मदिन है अपने जन्मदिन पे अपने ही झंडे दान कर दो कोई खर्चा नहीं भाई तो ये सब आप काम करो मेंबरशिप को बढ़ाओ ये 3 प्रोग्राम आपके राष्ट्रीय होंगे इन प्रोग्राम को करो बढ़िया यहाँ का फंक्शन होगा क्योंकि हमारा कल 19 तारीख का बिहार में प्रोग्राम है 3 दिन हम बिहार में रहेंगे यहाँ से बिहार जा रहे हैं अभी 600 किलोमीटर कल प्रोग्राम करेंगे जाके गाड़ी से यहाँ पर अगर आप 300-400 किलोमीटर दूर जाकर रुकेंगे फिर अब देख लेंगे बिहार में कहाँ रुकना पड़ेगा क्या रहेगा हम गाड़ी में जाएंगे उनसे आगे के सब प्रोग्राम लगेंगे बगली के आगे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आपकी महिला नियुक्त होगी इनको पूरा जो जिले में है जो महिलाएं हैं अपनी कमेटी बनाए और जो मेन बॉडी है उसको मिलकर कमेटी बनाए आपस में जहां पर विवाद है विवाद को खत्म करो युवा वाले आपस में भाई कंपटीशन ना करें कि दो दो पार्टी लगाओ अगर वो भी क्या बन देंगे युवा वाले की जिम्मेदारी है कि वे वॉलंटियर तैयार करें भला डोनेट करें पेड़ लगाने का काम करे और जो लोकल कमेटी होगी जिले की वे जिले की कमेटी के लोग तैयार करके आपको बाद में देंगे किसको युवा में रखो वे आपस में तालमेल से चले युवा का जिलाध्यक्ष कोई हो प्रदेश अध्यक्ष कोई हो वो अपनी कमेटी युक्त बना के लेंगे एक आदमी उसके संपर्क में आकर के किसको पदाधिकारी बना देना जिले के लोग देखेंगे किसको बनाना है अपनी कमेटी कोई तैयार रखना उनकी जिम्मेदारी है कि उनको अध्यक्ष बना दिया उसका लेटर पैटर्न उसे लगा उसकी विचार धारणा चलने की नीचे से आप आदमी देने के जितने आदमी आप पूछिए वो आप लोग दे देंगे नहीं तो पार्टी खड़े हो जाती है मेरा मतलब और जो छोटी मीटिंग हमको करनी पड़ेगी छोटी मीटिंग होगी जो सहकारी समिति है जो सदस्य समिति है उसकी मीटिंग हम लोग करेंगे उसके अध्यक्ष बनेंगे
और उसका जो अध्यक्ष बनेगा उसकी नियुक्ति सिद्धि कार्यालय से होगी। टेक्रा प्रमुख की नियुक्ति भी सिद्धि कार्यालय से होगी, वहां से जो केंद्रीय कार्यालय है दोनों की नियुक्ति वहां से ही होगी। उसकी ना जिला अध्यक्ष नियुक्ति करेगा, ना उसकी तहसील अध्यक्ष नियुक्ति करेगा, ना मंडल अध्यक्ष नियुक्ति करेगा। वो सीधा पूरा एड्रेस वहां से देगा, उसकी नियुक्ति वहां से होगी। और काम सब लोग करेंगे, छोटी इकाई का हमको जाना पड़ेगा। टेक्रा प्रमुख की भी नियुक्ति वहां से ही होगी, उसका कम से कम एड्रेस तो मिल जाएगा। जितने छोटे उसमें काम करोगे उतनी ही भीड़ निकलेगी। मुजफ्फरनगर से है कि लोग आए नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्रुप बन गया ना? ब्लॉक अध्यक्ष आए, ना तहसील अध्यक्ष आए, गांव के कुछ लोग आए, ना जिला अध्यक्ष आए, ना जिले की कमेटी आई, तो इसका मतलब क्या झुंड में काम कर रहे हैं लोग? पश्चिम से अगर लोग नहीं आए निकल के, तो ये पूर्वांचल की फेर यूनियन बना देते हैं, पश्चिम को छोड़ देते हैं, फिर अपना वे उधर काम करो, ये इधर काम करो। अगली बार पश्चिम की जिम्मेदारी लगाई, वे पूरी व्यवस्था यहां की संभालेंगे। मतलब फ्री में खा रहे हो यहां पे, ये कौन से जन्म में तो होगी भाई? खाने में तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया पनीर पकौड़े मीठे चावल दाल भात रोटी सब चीज खा रहे हो, तो कौन से जन्म में दोगे इसको? कुछ व्यवस्था करा भी करो, जरूर ठीक है आप भरवार करते हो, लेकिन ये सबकी चीजें हैं। जो भी यहाँ मेंबरशिप जो हुई, जितना भी धन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो धन यहाँ की मेंबरशिप यही इसमें काम आएगी भंडारे में। अगली बार फिर भंडार चलना है, ये पैसे अपने इकट्ठे करके रखते, क्योंकि कोई इनकी जिम्मेदारी थोड़ा है। और अगली बार बढ़िया पवन हटाना है, अभी पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, जब तक आप भी बता दे, जो भी रहेगा पश्चिम का उसकी जिम्मेदारी रहेगी अपने वॉलंटियर। 14 तारीख में यहाँ पे आ जाओ। ये नहीं अपना जुटाएंगे, 16 में चलेंगे, 17 में रह लेंगे, 17 में पहुंचे यहाँ पर, 18 में अपना वापसी। भाई 4-5 दिन का शिविर है, तो 5 दिन यहाँ कम से कम रहो, बैठ के बातचीत हो जाए, आपस में सलाह मशवरा कर ले, एक नशे पट्टी से भी वही दूर रहो। ऐसा नहीं है बिल्कुल शौक लग रहा है कि वही लोग यहाँ पाएंगे जो पी पाएंगे वो आएंगे, तो भाई इंजॉय कर रहे तो कोई राम चल आदमी आओ बस। आज हालात ये होगी कि पहले रेल में कहीं लेकर चले जाते थे, गोवा तक हम तक प्रोग्राम बॉम्बे तक जाते थे पहले तो, लेकिन आज हालात ये होगी कि रेल में चलने की स्थिति नहीं रही, कहां कौन क्या करते वो पता नहीं है। तो भाई संगठन को तो बर्बाद मत करोगे, जो पीने वाले हैं ये एंजॉय का स्थान नहीं है, अपना काम करना वो अपना घर में करे। यहाँ शुद्ध आदमी जो वॉलंटियर का काम कर सकता है, जो बगैर शराब के बगैर नशा पूरी करता है, वो लोग संगठन में बाहर ट्रेन में बजाय ट्रेन में शराब पी के कोई उत्पाद करने की हर आदमी की जरूरत ही नहीं है। भाई आदमी अपने घर पर है, ये कोई इंजॉय स्थल नहीं है कि 100 आदमी आ रहे हैं शराब पी लेंगे, ये जब वहां पर ट्रेन में चलेंगे ना, अपने घर पर हो। अगली बार से वे आदमी चाहिए जो शराब नशा ना करते हो, ट्रेन में जिम्मेदारी से काम करते हो। और अपना सक्रिय मेंबर बनाओ कानून में, देखो कानून में सक्रिय मेंबर नहीं बनाओगे, मेंबर बनकर नहीं आओगे। जो 25 आदमी बनाओ, अपने आप को 100 आदमी बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितने पदाधिकारी है सिर्फ 25 आदमी बनाओ और 5 आदमी अपने साथ ले जाओ, आपको 100 की जरूरत नहीं है। जो सक्रिय मेंबर है पदाधिकारी, वो 5 को ले आओ अपने पास के साथ में, 5 रुपये आते कहीं ले जा, 5 रुपये ले जा, आपका काम चल जाएगा। सक्रिय मेंबर बनकर आना पड़ेगा अगर आपको संगठन मजबूत करना। और भाई वैसे ही धोखा किसान को देना, उसको रहने चाहिए आपके पास में, 500 आदमी की सक्रिय मेंबर हो जाएंगे, 500 आदमी भी एक जिले में हो जाएंगे, ये संगठन उसी से चल जाएगा। छोटे स्तर में मीटिंग करनी पड़ेगी सबको, काम में हो जाओ। छोटे जो सहकारी समिति है
बचपन से हम लोगों से छोटा पदाधिकारी और बड़ा पदाधिकारी ये भी एक जिले में मेरठ में चले गए सब जिले के लोग इकट्ठे हो गए उसी उसके जितने लोग इकट्ठे होंगे उन्हीं की मीटिंग करो आप 100 आदमी हो 50 आदमी फिर आप गांव में जाओ गांव में मीटिंग करो। ट्रैक्टर गांव से निकलते हैं ट्रैक्टर शहरों से नहीं निकलते। गांव में आप जाओगे लोगों के पास में जाओगे ट्रैक्टरों के सीधे नंबर रखो उनको पदाधिकारी भी बनाओ वे लेने आप उसको कहोगे भी साल के लिए 2 बार जाना है वो 2 बार जाएगा। दूसरे संगठन पंजाब के कुछ संगठन है जो इसी पैटर्न पर काम करते हैं आज उनके पास में 21 लाख लोगों की मेंबरशिप है 350 करोड़ रुपया उनके खाते में है माई किसान संगठन का याद हो जाए 350 करोड़ रुपए जब वो लखीमपुर में आए 1 करोड़ रुपया उन्होंने निकाला अपने अकाउंट से वहां पर रिलीज करा 200 वालों को दिया सर अपने खाना पीना भंडारा अपने बस लेकर आए एक गाड़ी 70-70 हजार रुपए मांगे लेकिन संगठन के पास में तो क्या उन्होंने आप लोग कुछ है ही नहीं आप तो रोटी अनुज ने आप खा ली दूसरा भंडारा वहां लग गया तीसरा गुरुद्वारा में लग गया गुरुद्वारा में वर्ष कब तक रहोगे भाई। तो अपने संगठन पर काम करो आपके पास में भीड़ है इसको व्यवस्थित तरीके से करो। अगली बार ये जितनी भी लाइन लग रही है 3, 4, 5, 6, 7 और जो घर लग रही एकक वॉलंटियर एकक दिन एकक लाइन पर लगा रहेगा कौन आदमी कहां से आए उसकी पूरा डाटा रहेगा कौन जिलों के आदमी आए उसकी पूरी लिस्ट है उनकी मेंबरशिप है नहीं है नहीं है तो मेंबरशिप है भाई अगली बार फिर यहां पर कर लो तो ये व्यवस्था तरीके से चलाना पड़ेगा। ये कैंप कार्य में अपना है क्योंकि कुछ लोग इसके बाद में भी 2 महीने यहाँ पर आते रहेंगे तो ये आपका कार्यालय परमानेंट यहाँ पर रहेगा जब तक मार्च तक मेला चलेगा। ये जो कैंपस है हमारे जितने भी लोग आते रहेंगे वे इसी में अपना रुकते रहेंगे ये अपना उनका खाना वाना अंदर चलता रहेगा और बाहर के जितने भी कैंप लग रहे पुलिस प्रशासन का मेला प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है उनका धन्यवाद हम देते हैं। उन्होंने पुरान लक्कर सिलेंडर जो भी व्यवस्था करनी थी मेला प्रशासन ने ठीक व्यवस्था आप करी पुलिस फोर्स का भी ठीक अरेंजमेंट रहा कोई दिक्कत किसी को नहीं रही उनका भी हम धन्यवाद करें। खास करके जो सफाई कर्मचारी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि जिस तरह की सफाई आम की बात हुई इस तरह की सफाई पहले नहीं देखी पूरी सफाई और हमको अभी तक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सबको जैसे लाइन में लेके खाना खा रहे हैं ये ट्रेनिंग का हिस्सा है ये खाना खाकर और वो जो पत्थर है उसको भी एक जगह साइड में डाल दें। अगली बार से कोशिश ये करेंगे कि मेजे लगवा दें खड़े होकर आदमी वहीं कहीं खा ले वहीं डस्टबिन हो तब ना डालते रहे उसमें भी ना डाल सकते और अयोध्या का जो प्रोग्राम चल रहा है ना अभी 21 जनवरी का वो तो सरकार का प्रोग्राम है 22 का वो तो सरकारी प्रोग्राम है उसमें तो बड़ा मेहरबानी करके ढीला करा के हम अपना ही प्रोग्राम रखेंगे इनकी कह रहे भीड़ और लोग तो नहीं होगा ठीक है अरे एक पंचायत अयोध्या में रखेंगे उसमें ही देख लेंगे और उसमें ही देखेंगे ये कह रहे भीड़ और लोग तो नहीं होगा हम भी कार्य करते हैं हाँ हम भाई अगले मंदिर में बगैर बगैर कलश के मंदिर में नहीं हम जाएंगे धन्यवाद सभी लोगों का क्योंकि सब लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में जिनको जाना है वो शांति से जाए जो गाड़ियां जिस साइड भी नहीं होगी वही घटी गाड़ियां अपना जाएगी खाना चल रहा है खाना खा के कुछ अगर होगा तो खाना वाना खा कर जब जाना रुक जाइए तो रुकना अभी हाँ रुक जाइए चले हिंसे ही अयोध्या के लिए कुछ कर लो तो धन्यवाद सारी बहनों का भी धन्यवाद यहाँ पर देखो कोई आ रहा है